Assalamualaikum. Today I am going to give the lecture of science of class 5. Our topic is matter and materials, and our topic is gas, solid and liquid. Gas, solid or liquid जो है ये metals की three forms है. इसमें something जो है वो gas भी हो सकती है, liquid भी हो सकते हैं, solid भी हो सकते हैं. ये particles की particles पे depend करता है कि वो inside जो है वो किसी भी चीज के अंदर कैसे move कर रहे हैं. Particles कैसे move कर रहे हैं और कितने tightly packed हैं. अगर पार्टिकल्स ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं मींस कि उनके पास बहुत कम एनर्जी है और वो मूव नहीं कर रहे तो वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और उनके पास जरा थोड़ी सी सॉलिड से ज्यादा एनर्जी है और वो मूव कर रहे हैं मींस कि एक जगह से दूसरी जगह वो थोड़ा सा फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे और गैस पार्टिकल्स वो होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा मूव करेंगे. अगर हमने एक जगह कंटेनर में रखे वो सारे कंटेनर फैल जाएंगे. अगर अपने हम एक रूम में छोड़ेंगे या एनवायरमेंट में छोड़ेंगे सारे एनवायरमेंट में या रूम में फैल जाएंगे. सारे पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और सारे जो है वो उनकी एक शेप रहती है, वो जिधर भी उन्हें रखते हैं उनकी जो है शेप वो चेंज नहीं होती. लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो अगर हम उन्हें जिस भी कंटेनर में डालेंगे ना वो उसी कंटेनर की शेप जो है वो कंटेन कर लेंगे. और गैस पार्टिकल्स जो है वो उस शेप के अंदर मीन्स को उस एनवायरमेंट में फैल जाएंगे. जितना हम एनवायरमेंट देंगे उतना ही वो एनवायरमेंट में फैल जाएंगे. वाटर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस की फॉर्म भी होगा मीन्स कि जब उसे फ्रीज किया जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा, आइस फॉर्म में आ जाएगा. उसके बाद जो हम ड्रिंकेबल वाटर यूज करते हैं जो पानी की वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके मार्ग जिस हम कंटेनर में डालते हैं अगर ग्लास में डालें वो ग्लास की शेप मेंटेन कर लेते हैं और अगर जग में डालें तो उसकी जग की शेप हो जाती है. उसके बाद अगर वही वाटर को हम जो ड्रिंकेबल वाटर है जो आम वाटर है उसे हम स्टीम करें, हीट दें तो वो बहुत ज़्यादा जब हीट अप हो जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एडिशन के मतलब डिफरेंट हो जाएंगे, फैल जाएंगे तो वो स्टीम में चला जाएगा मीन्स के वो भाप की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा तो उसे हम गैस कंसिडर करेंगे. वाटर जो है जैसे कि हमने कल मैंने आपको बताया था कि उसकी फॉर्मेशन जो है वो H2O है मीन्स के दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम है. लेकिन वो जब तीनों स्टेट्स में चेंज होता है सॉलिड लिक्विड और गैस में उसकी फॉर्मेशन ही चेंज होती है. H2O वही रहता है, वाटर की फॉर्मेशन वही है H2O है लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाती है या तो लिक्विड में चला जाता है या सॉलिड में या गैस में. अब एक क्वेश्चन है उन्होंने लास्ट में दिया था फिर नंबर 7 पे कि हाउ कैन चेंज द वे द पार्टिकल्स आर पैक्ड कैसे. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वाटर जो है वो कैसे पैक टुगेदर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइस. आगे चेंजिंग मैटर है. चेंजिंग मैटर जो है हम मैटर को एक स्टेट से चेंज कर सकते हैं दूसरी स्टेट में. तो कैसे कर सकते हैं, थ्रू द हीट. हम मैटर को हीट से जो है वो चेंज कर सकते हैं. फोर वेज हो सकता है चेंजिंग के, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन. मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड जो है उसे जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आइस को हम रखेंगे, आइस सॉलिड फॉर्म में होगी उसे हम या तो हीट प्रोवाइड करें या रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. उसके बाद फ्रीजिंग है. फ्रीजिंग मीन्स के लिक्विड जो है वो सॉलिड में चला जाएगा अगर हम उसे हीट उस उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जितना उसे रिक्वायर है उसकी मैटर के स्टेट को चेंज होने में. जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होगा कि वही जब हम वाटर को स्टीम करते हैं मीन्स के उसे बॉइल करते हैं तो वो स्टीम की फॉर्म में चला जाता है और जब वो ठंडा होगा तो मीन्स के स्टीम क्या है, गैस पार्टिकल्स है. जब वो ठंडा इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वो दोबारा से लिक्विड बन जाता है. जैसे कि हम पानी बॉइल करते हैं, आम गर्म पानी बॉइल करते हैं तो जब वो स्टीम बनता है अगर उसके ऊपर कवर हो लीड हो जब वो लीड उठाएं पहले तो वो स्टीम निकलती है लेकिन जब उसे दोबारा रख दिया जाए ना अगर हीट भी ना प्रोवाइड की जाए उसे रखा जाए ऐसे हम रख दिया जाए तो वही स्टीम जो है लगी होती है लीड के ऊपर वो दोबारा से ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है. उसके बाद है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या है कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है. जब हम उसे बहुत ज़्यादा वाटर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टीम की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाएगा मीन्स के एनवायरमेंट में. जो हम देखते हैं वाटर बॉइल करते वक्त कि जो धुआं उड़ता है वो क्या हो रही होती है, वाटर की इवेपोरेशन हो रही होती है. हीट
हीटिंग और कूलिंग जो है मैटर वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करते, जब मींस के थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे या थोड़ी सी शेड्यूल ले जाए तो मैटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड ऑफ कि अगर हम ज्यादा उससे हीट ढूंढ ले जाए या ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दें तो फिर ज्यादा फर्क पड़ता है। आज हम सबसे पहले मेल्टिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल। मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग मैटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसे मेल्ट करेंगे मीन्स कि उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो तो लिक्विड में चली जाएगी। पार्टिकल्स जो है उनके पास लिटल एनर्जी होती है सॉलिड पार्टिकल्स के पास, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं और वो सॉलिड पार्टिकल्स इतना ज्यादा मूव नहीं करते क्योंकि वो जिधर वो कंडेंस होते हैं, टाइटली पैक्ड है, उन्हें एनर्जी देनी चाहिए एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड को एनर्जी चाहिए, उनके पास जो है वो थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है, वो फ्रीली मूव करते हैं। और हमारा जो लिक्विड है उनके पास ज्यादा एनर्जी है और हर मटीरियल का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा। आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, गोल्ड का 1000 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम मीन्स के गोल्ड का कोई बार लें, उसका पीस लें, उसे अपने हैंड में रब करें तो वो रब नहीं होगा, मीन्स के उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, वो मेल्ट नहीं होगा जब तक उसे हीट ना प्रोवाइड की जाए। इसी तरह अगर हम आइस को लें, उसे अपने हैंड में रब करें तो उसे टेम्परेचर मिलेगा उतना जितना कि हम ऑन रूम टेम्परेचर में उससे मिलता है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है गोल्ड का ज़्यादा। और गोल्ड जो है वो जब उसे प्रॉपर हीट ज़्यादा हीट मिलेगी जितनी उसे रिक्वायर है तो वो तब मेल्ट करना शुरू होगा। आगे बर्निंग और मेल्टिंग में डिफरेंस आ जाता है कि कुछ मटीरियल जो है वो मेल्ट होते हैं, जैसे वाटर है वो मेल्ट हो रहे हैं, गोल्ड है वो मेल्ट होता है, वो बर्न नहीं होता जब उसे हीट प्रोवाइड की जाए। जो वुड है वो बर्न होगी जब उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बर्न होगी। ऐसे आपको पता है, जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं डेली बेसिस पे अगर कुछ लोग जलाते हैं लकड़ियाँ जलाते हैं तो वो मेल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है, वो बर्न होती है। आज के हमारा टॉपिक बस नहीं था, उसके बाद डायरिया की जो एनिमल वर्ल्ड है आपका टॉपिक जो चेक पॉइंट्स में आना उसके फर्स्ट 5 लेसन जो है वो आपने याद करना।